महिलाओं और लड़कियों के साथ किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें बेहतर ढंग से समझना बेहद जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि वह लड़की केवल आपकी प्रेमिका ही हो या फिर वह लड़की हो जिसे आप पसंद करते हैं और अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, बल्कि आपसे जुड़ी हुई हर स्त्री को समझने के लिए उनके बारे में कुछ बुनियादी बातें जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों को समझना बेहद मुश्किल होता है, ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती है। हालांकि लड़कियों को समझना इतना मुश्किल भी नहीं जितना कि आमतौर पर समझा जाता है। अगर आपको लड़कियों और महिलाओं से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें पता है तो आप आसानी से उन्हें समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम महिलाओं एवं लड़कियों से जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य बताएंगे जिनसे आपको उन्हें समझने में काफी मदद मिलेगी और आप अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में सूंघने की शक्ति ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए वह गंध को बेहतर तरीके से समझ सकती है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में सामने वाले का चेहरा पढ़ने में माहिर होते हैं, इसलिए वह आसानी से सामने वाले के मन की बात भांप लेते हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक महिलाएं जिस पुरुष के साथ प्रेम करती है उससे ज्यादा नजरें नहीं मिला पाती, ऐसी महिलाएं उस पुरुष के आगे शर्मीली प्रवृत्ति की दिखाई देती है। महिलाएं खुद को सही साबित करने के लिए पुरुषों से ज्यादा बहाने ढूंढती रहती है। पुरुषों के मुकाबले ज्यादातर वह प्रत्येक परिस्थिति में खुद को सही साबित करना चाहती है। महिलाओं में सहनशीलता पुरुषों से अधिक मानी जाती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। महिलाओं को सहनशील कहना जायज है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत गंभीर परिस्थितियों में ज्यादा सहनशील होते हैं, जबकि इसके विपरीत महिलाएं गंभीर परिस्थितियों में खुद को नहीं संभाल पाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से लड़कियां शारीरिक संबंध बनाने के लिए ज्यादा उत्सुक होती है, जबकि इसके विपरीत शारीरिक संबंध बनाने को लेकर बाहर से उनकी निषेधात्मक प्रवृत्ति होती है। लड़कियां ज्यादा जज्बाती लड़कों के साथ रिश्ता बनाने में बहुत कम विश्वास करती हैं, जबकि उन्हें रिलेशनशिप को सामान्य रूप से लेने वाले लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। लड़कियां मौका देखते ही अपने फैसले बदल देती हैं। नए और अनजान लोगों के साथ लड़कियां ज्यादातर चुपचाप रहती हैं। महिलाएं अपने पूरे जीवन के 4 साल मासिक धर्म में गुजार देती हैं। महिलाएं ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होती जितना कि पुरुष होते हैं। महिलाओं के मानसिक विचार पुरुषों की तुलना में ज्यादा बदलते हैं। पुरुषों के मुकाबले लड़कियों को सरप्राइज गिफ्ट ज्यादा पसंद आते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम जोखिम वाले काम करना ज्यादा पसंद करती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं गंभीर परिस्थितियों से ज्यादा भयभीत हो जाती हैं। जब महिलाओं की कोई पुरुष तारीफ करता है तो वो उन्हें अच्छा लगता है, भले ही वो झूठ हो। एक शोध के मुताबिक महिलाएं दिन भर में तकरीबन 20,000 शब्द बोल सकती हैं। महिलाएं ऐसे लोगों की ओर खुद आकर्षित होती है जो उनके साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास करते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अच्छा खाना खाने और अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन होती है। लड़कियां अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर उन्हें महसूस करना ज्यादा पसंद करती है। लड़कियों को यह बात बहुत पसंद आती है कि जब कोई लड़का उनसे किसी बात पर सलाह ले। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ह्यूमन सिस्टम अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा फुर्तीली होती है, वह अपना काम बेहद तेजी से खत्म करती है। भले ही महिलाएं पुरुषों से ज्यादा भावुक हो, लेकिन वह खुद को पुरुषों से ज्यादा अभिव्यक्त नहीं कर पाती। पुरुषों की तुलना में महिलाएं निर्णय लेने में ज्यादा समय लगाती हैं, लेकिन वह अपने निर्णय पर ज्यादा देर तक टिकी रहती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा भावुक होती है और बात बात पर उनकी भावनाएं उमड़ आती हैं। महिलाएं बात बात पर शक करती है, जबकि अगर कोई पुरुषों का विश्वास जीत ले तो वह उन पर शक करना छोड़ देते हैं। महिलाओं को हल्की आवाज वाले पुरुष अधिक पसंद होते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष उन्हें अधिक आत्मविश्वासी और कम आक्रामक लगते हैं। एक औरत को ऐसे पुरुष ज्यादा आकर्षक लगते हैं जिनको दूसरी औरत देख रही होती है या फिर उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। एक शोध के मुताबिक महिलाएं अपने जीवन का तकरीबन 1 वर्ष यह सोचने में बिता देती है कि वह क्या पहने। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जो उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं और उनकी ज्यादातर बातों को मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि 15% शादीशुदा महिला अपने पति को धोखा देती है, जबकि 25% पुरुष हैं जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं। महिलाएं तनाव को संभालने में बेहद निपुण होती है, जबकि पुरुष खुद को तनाव में संभालने के लिए कमजोर होते हैं। लड़कियां परिस्थिति के साथ बदलने पर ज्यादा विश्वास रखती है, जबकि दृढ़ निश्चयी लड़के परिस्थिति के साथ नहीं बदलना चाहते। लड़कियों की इच्छा शक्ति और दृढ़ता लड़कों के मुकाबले बहुत कम होती है। लड़कियां जल्दी किसी काम को लेकर दृढ़ निश्चय नहीं कर पाती हैं। लड़कियां आसानी से कोई फैसला नहीं लेती, लेकिन जब आखिरकार वह अपना फैसला चुन लेती है तो उस पर टिके रहने का प्रयास करती है।
लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा बातें करना पसंद करती है, लेकिन केवल उन्हीं लड़कों के साथ जिनके साथ वह सुरक्षित और बेहतर महसूस करती है। लड़कियों को बातें करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, वह दूसरे मनोरंजन साधनों का सहारा लेने की बजाय ढेर सारी बातें करना बहुत ज्यादा पसंद करती है। प्रेम संबंध में आने के बाद लड़कियां अपने गंभीर पार्टनर को सामान्य बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें रिश्तों में ज्यादा गंभीरता नहीं पसंद। लड़कियां उन लड़कों या उन लोगों को पसंद नहीं करती जो उन पर विश्वास नहीं करते, खासकर तब जब वह अपना रिश्ता ईमानदारी से निभा रही हो। पुरुषों के मुकाबले लड़कियों को इंतजार करना पसंद नहीं होता। लड़के किसी चीज का इंतजार करने की बजाय उसे दूसरे से रिप्लेस करने में ज्यादा विश्वास रखती है। जो लड़कियां बहुत ज्यादा सोती हैं, वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तकलीफ में है या अपने दिल पर लगी किसी बात से नाखुश हैं, और उसी बात को सोचकर वह काफी दुखी हैं। लड़कियां ज्यादा बोलने वाले लड़कों को पसंद नहीं करती, क्योंकि वह खुद ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती है। वह चाहती है कि उन्हें शांत पार्टनर मिले जो उनकी ज्यादा बात सुने। लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा धैर्यवान होती है। वह हर परिस्थिति में अपने धैर्य को कायम रखना चाहती है और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी करती है, जबकि इसके विपरीत लड़के उतावले होते हैं। महिलाएं खुद से जुड़ी ज्यादातर बातों को सार्वजनिक करना पसंद नहीं करती, बल्कि उन्हें छुपाकर रखने में ज्यादा विश्वास रखती है। लेकिन जब बात किसी दूसरे से जुड़ी हुई हो तो उनका व्यवहार इसके विपरीत होता है। लड़कियां अपने प्रेमी की बात को तभी तक गंभीरता से लेती है जब तक वह उसे बेहद करीब अथवा संपर्क में होती है, लेकिन उनसे दूर जाते ही लड़कियों के गंभीर विचार बदल जाते हैं। हालांकि यह बात हर लड़की के विषय में लागू नहीं हो सकती। कुछ लड़कियां सामान्य लड़कियों से विपरीत व्यवहार भी करती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत जल्दी रो देती है। एक दावे के मुताबिक महिलाएं साल भर में औसतन 30 से लेकर 64 बार रोती हैं, जबकि पुरुष केवल 10 से लेकर 17 बार तक ही रोता है। ये कम ज्यादा भी हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक पलके झपकाती हैं। लड़कों को वैसी लड़कियां ज्यादा पसंद होती है जो समझदार होती हैं। लड़कियां लड़कों के मुकाबले किसी भी दूसरे इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं। लड़कियों को किसी को सलाह देना पसंद है, लेकिन उन्हें किसी से सलाह लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़कों के मुकाबले लड़कियां अधिक जिद्दी होती हैं। इसका मुख्य कारण है कि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है। लड़कियां आमतौर पर उस लड़के के साथ ज्यादा देर तक आंखें नहीं मिला सकती जिसे वह बहुत पसंद करती है। हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड सबसे अलग हो, लेकिन वह यह खुद नहीं जानती कि सबसे अलग का मतलब क्या होता है। लड़कियों को बेबी कहने पर लड़कियों के मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका तनाव बहुत कम हो जाता है। ज्यादातर महिलाओं को वो मर्द अट्रैक्टिव लगते हैं जिनकी दाढ़ी होती है और वह कम मुस्कुराते हैं। लड़कियों की जरूरत कभी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें खुद को पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। लड़कियां किसी भी चीज को बहुत इमोशनली सोचती हैं, इसलिए किसी भी बात का सबसे अच्छा सॉल्यूशन मिनटों में उनके पास मिल जाता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के के परिवार से मिलना चाहती है तो इसका मतलब यह है कि वह उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर कोई लड़की किसी लड़के से बेहद प्यार करती है तो भी वह उसे बताना नहीं चाहती, बल्कि वह चाहती है कि लड़का खुद उसके प्यार को महसूस कर ले। लड़कियां अपने पहले प्यार को जिंदगी में कभी नहीं भूलते, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में कोई भी आए उन्हें भूलना उनके लिए चुटकी भर का खेल है। अगर कोई लड़की आपसे सच्चे दिल से प्यार करती है तो वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वह अपने माता पिता से लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। अगर कोई लड़की आपको दूर से देखे लेकिन पास पहुंचते ही किसी और जगह देखने का बहाना करे तो समझ जाइए वह आपको पसंद करती है। अगर कोई लड़की पूरे दिन लव सॉन्ग सुनती है तो इसका मतलब उस लड़की की जिंदगी में कोई और आ चुका है, यानी वह लड़की किसी लड़के से प्यार करती है। अगर कोई लड़की आपसे बात करते समय डरती है या उसकी सांसें फूलती है तो इसका मतलब है कि वह आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन बोलने से डरती है। लड़कियां कभी भी लड़कों से अपने अफेयर के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि लड़कियां हमेशा अपने कुछ खास पलों को अपने तक ही सीमित रखती है। अगर वह लड़कों को इस बारे में बताती है तो वो पूरी तरह से सच नहीं होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।